भैया ये कितना मुश्किल है पूछो मत। सच बोलूँ तो मैं कम से कम 30 बार आ चुका हूँ। 30 बार आने के बाद ये लोकेशन मेरे को मिला है। ये सामने की तरफ बनाया गया था गांव को, और यहीं पे गाना होता है कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, ऐसा करके वो गाना था। और गब्बर की जो एंट्री होती है वो इसी जगह पे होती है। हालांकि अब इस जगह पे वैसा कुछ नहीं है, कुछ छोटे छोटे और पुराने घर हैं। तो अभी हम पहाड़ी के ऊपर हैं और नीचे की तरफ ले चल के हम आपको दिखाते हैं कि इस गाँव को रामगढ़ सोले के अंदर कैसे दिखाया गया था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम दिखाएंगे आपको रमेश सिप्पी की जो फिल्म आई थी शोले, जिसके एक वीडियो हमने एक दो डाल रखे हैं, लेकिन उसके कुछ जो वीडियो थे वो हमसे बच गए थे। तो आज की जो लोकेशन है ये वही लोकेशन है जिसको रमेश सिप्पी जी ने अपने डायरेक्शन में शोले फिल्म के अंदर दिखाया था। तो अभी हम उसी लोकेशन पे हैं और पूरी लोकेशन को आज हमें गाइड करा रहे हैं काशीनाथ जी। काशीनाथ जी, जब आप ये लोकेशन पे पहली बार आए थे तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी थी इस लोकेशन को ढूंढने के लिए? भैया ये कितना मुश्किल है पूछो मत। सच बोलूँ तो मैं कम से कम 30 बार आ चुका हूँ। 30 बार आने के बाद ये लोकेशन मेरे को मिला है। और यहाँ पे भाषा हिंदी कम चलती है, तो जिस वजह से यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो कन्नड़ भाषा में बात करते हैं। तो अपने यही वो राम नगरम गाँव है जो कि शोले मूवी के अंदर में दिखाया गया था। और ये प्राइमरी स्कूल है, आप देख सकते हैं इसके पीछे वो जो चट्टाने हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे सीन लिए गए थे। तो अब यहाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गया, हद से ज़्यादा, क्योंकि फिल्म जो है आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी है। ले चलता हूँ और आगे की साइड में और बैक कैमरे से इस गांव का पूरा नज़ारा दिखाता हूँ मैं। और इसी रास्ते से अभी हम गांव के अंदर की तरफ आए थे। हालांकि ये गांव के अंदर आने का मुख्य मार्ग है। और जब होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं, जब गाना होता है तो जया बच्चन जी इस पहाड़ी पर खड़ी होती हैं, तो वो बैक साइड का पत्थर मैच कर सकते हैं स्क्रीनशॉट में। तो यहीं पे वो सब गांव है, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया था। बताते हैं कि जो पानी की टंकी वगैरह थी उसको बाद में वो लोग हटा दिए थे। और चल रहे हैं गांव के अंदर की तरफ। ये आगे साइड से बताते हैं कि इमाम साहब की जो मस्जिद वगैरह थी वो सामने की तरफ थी। तो अभी हम वहीं पे चल रहे हैं और आप देख सकते हैं ये है एक प्राइमरी स्कूल। तो यहाँ पे यहाँ के जो लोकल के बच्चे हैं वो पढ़ने आते हैं। और ये गांव तो पूरा खाली का खाली नज़र आ रहा है हमें। और ये गांव है और हम चल रहे हैं उस लोकेशन पे जहां पे इमाम साहब की मस्जिद थी। ये जो आप खंभा देख रहे हैं, ये खंभे के सामने अब घर बन गए हैं। इसी जगह पे उस मस्जिद को बनाया गया था जो कि शोले फिल्म के अंदर दिखाई गई है। और ये वही जगह थी जहाँ पर मस्जिद को दिखाया गया है। और बैक साइड का जो बड़ा वाला पत्थर है उसको बताते हैं कि अभी वैसा का वैसा है। हालांकि बारिश होती है ना तो बड़ी चट्टानें जो हैं वो अब खिसक जाती हैं, लेकिन वो मस्जिद यहीं थी। और ये जो सामने आप देख सकते हैं बाउंड्री बनी हुई है जिधर से ये लड़का आ रहा है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और इसी के अंदर उस गाँव को बनाया गया था जो कि आर्टिफिशियल तरीके से था और उसके अंदर पानी की टंकी वगैरह थी। और दोस्तों फिल्म के अंदर का जो अगला सीन था उसको इस रोड पे फिल्माया गया था। जब बसंती अपना तांगा लेके आती है तो वो सीन जो था वो इस रोड पे लिया गया था। हमारे सामने रोड है वो मैं दिखा रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट के जरिए मैच करना आप। ये जो रोड देख रहे हैं इस रोड पे फिल्म के उस सीन को लिया गया था जिसमें बसंती जय और वीरू को तांगे से रामगढ़ गांव लेके आती है। तो वो जो तांगे से लेके आती है बसंती जय और वीरू को रामगढ़ गांव के लिए,
तो वो इसी रास्ते से आती है। तो नीचे स्क्रीनशॉट के जरिए आप देख सकते हैं कि इस रास्ते से बसंती जाती है और ये बैग की चट्टान है, इसको देखेंगे तो ये नज़र आती है। और रमेश सिप्पी जी ने कुछ इसी डायरेक्शन से दिखाया था रामगढ़ गांव को जब बसंती तांगे से जय वीरू को लेके आती है। और फिल्म के अंदर एक सीन कुछ इस तरीके से यहाँ से दिखाया गया था, जब जय और वीरू को लेके बसंती तांगे से आती है तो धर्मेंद्र जी आगे बैठे हुए होते हैं, तो वो बसंती से बात करते हुए आते हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो सामने की तरफ पत्थर दिख रहा है, बसंती के तांगे के पीछे देखेंगे तो ये वाला पत्थर नज़र आ रहा है। तो वो इसी रोड पे फिल्म के सीन को शूट किया गया था। और यहाँ पे एक चीज़ हमने देखा है कि यहाँ पे आज भी लोग पशुपालन करते हैं, जैसे भेड़ बकरियाँ गाय और ये बछड़े। इस गांव के कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं, थोड़ा इधर की लैंग्वेज प्रॉब्लम ज़्यादा है, अगर वो हमारी बातों को समझते हैं तो एक बार हम उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि जब शोले मूवी की शूटिंग यहाँ हुई थी तो इन लोगों को कैसा महसूस हो रहा था। तो जो काफ़ी पुराने लोग होंगे उनको तो शायद अब भी पता होगा, जो इस गांव के प्रॉपर निवासी होंगे। तो अभी एक भैया यहाँ सामने हैं सर, जब शोले शूटिंग हुआ था, ये जो बच्चा ये जो आदमी देख रहा है इसका उम्र उस टाइम 15 साल था। अच्छा अच्छा, 15 साल के थे। हाँ 15 साल के थे। न्यू ईयर के नोरी दिया गुत्ता ईयर के नोरी दिया ಇವರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಸಚಿನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ ಏನೋ ಸಚಿನ್ ಸಚಿನ್ ಇಮಾಮ್ ಸಾಹಬ್ ಕಾ ಲಡ್ಕ ಬನ್ನಾ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಮ್ಜದ್ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಮ್ಚನ್ ತಾತನು ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದು ಇದು ಹೇಳವ್ರೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಖ್ಯಾತ ಮಾಡಿದವ್ರು ಅವರು वो बोल रहा है क्या डायलॉग बना है अभी तक वो मुझे याद है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि वो जो पहाड़ी है उसके ऊपर से भी गांव के कुछ सीन को शूट किया गया था और ये सामने वाली पहाड़ी को भी कुछ सीन में दिखाया गया है।